जो मैं अपने दिल में सोच रहा था कुछ टाइम से और वो आज सवेरे भी मैं बात सोच रहा था जब लूसीफर यानी परमेश्वर का जो प्रधान स्वर्गदूत था जब उसने पाप किया और वो खाली पाप तक रुक नहीं गया वो पाप क्या किया उसने एक तिहाई स्वर्गदूतों तक भी फैलाया पाप एक ऐसी चीज है जो फैलती है ठीक है एक 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 आदमी ने एक एक स्वर्गदूत उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं अपनी गद्दी को जो है परमेश्वर के ऊपर लगा लेता हूं और परमेश्वर के ऊपर हो जाऊंगा और ये वाला जो थॉट है ये वाली जो सोच है ये दूसरों तक भी फैला दी उसने सुनिएगा क्योंकि फैला इसलिए पाया क्योंकि कुछ लोग ये बातें सुनना चाहते थे सिन ये जो सिन जो पाप है जो वो फैलता है मगर एक मजेदार बात है अगर पाप फैलता है तो उससे ज्यादा पावरफुल है परमेश्वर का ग्रेस करुणा जो सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने किया उसने पूरी मानव जाति को बचा लिया अगर पाप सुनने से फैलता है तो करुणा भी सुनने से फैलती है हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं यह हमारे हाथ में है हम पाप को सुनना चाहते हैं या पाप को सुनाना चाहते हैं या हम करुणा सुनाना चाहते हैं ग्रेस सुनाना चाहते हैं ये ये चॉइस ये निर्णय आपके हाथ में है जो सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो सारी दुनिया में जाकर हमने बताना है कि ये ग्रेस अवेलेबल है हर किसी के लिए अवेलेबल है जो कोई उसके नाम पे ऐतबार करता है वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा प्रभु यीशु में आमेन हालेलुया प्रभु यीशु की सेवकाई की एक खास बात रही कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और जो दूसरी बात जो खास बात जो पुराने नियम में नहीं देखी गई थी उन्होंने अंधों को रोशनी दी अंधों को रोशनी दी अगर आज रात के समय हमारे घरों के अंदर रोशनी चली जाती है अचानक से अगर आपके पास इन्वर्टर भी नहीं है मोमबत्तियां भी नहीं है टॉर्च भी नहीं है तो एक ऐसे जमाने में हम पहुंच जाएंगे जहां पर हमको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में मतलब अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए सहारों की जरूरत पड़ने लगेगी ठीक है तो आज हम अंधेरे के विरोध में प्रार्थना करने वाले हैं अगर आपकी जिंदगी में किसी कोने में भी अंधेरा आप महसूस कर पा रहे हैं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आज आप प्रार्थना करें अपने दिलों को खोलें और परमेश्वर से कहें कि ये बीज ये विश्वास का बीज मेरी जिंदगी में बो ताकि मैं बरकतों को देखूं आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन मसीह के सामने जाए और आशीषे मांगे हाँ लो खुदावन मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति इस जगह के ऊपर भरपूरी से मौजूद है परमेश्वर मैं मांगता हूं कि हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं आपकी रूह परमेश्वर हमको छुए हमें आजाद करे खुदावन हम मांगते हैं परमेश्वर एक बरकतों का समय हमारे ऊपर आए हम ब्लेस किए जाएं हम छुड़ाए जाएं हम छुए जाएं परमेश्वर और खुदावन आपका कलाम हमारी लाइफ में ऊंचा हो जाए ईश मसीह के नाम से परमेश्वर आज का प्रचार आपके हाथ में देते हैं पवित्र आत्मा आप इस प्रचार को एकदम सिंपल बना दीजिए पवित्र आत्मा हमारे दिलों में ये बस जाए और हमारे लिए छुटकारे का सबब हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमेन अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको नीति वचन उनतीस के अठारह में खोल लीजिएगा आइए हम मिलके पढ़ते हैं जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं इसको पंजाबी में किस तरीके से पढ़ते हैं जी एक बार जरा पढ़िएगा जिसी के पास पंजाबी बाइबल है तो उसको जरा पढ़िएगा एक माइक दे दीजिए हिंदी में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं जिथे दर्शन नहीं उथे लोग बेमुहारे हो जाते हैं क्या हो जाते हैं बेमुहारे बेमुहारे इसका मतलब क्या हुआ हा निरंकुश बेमुहारे का मतलब है जिसका कोई मतलब कहीं नहीं जा रहा है वो जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पे लाइफ स्टॉप हो जाती है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाता है अगर आज आपकी जिंदगी में फुल स्टॉप लगा हुआ है फुल स्टॉप मतलब ठहराव है आप चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसका मेन कारण है दर्शन हम लोग परमेश्वर से कई बार कई पैसे मांगते हैं चंगाइयाँ मांगते हैं छुटकारे मांगते हैं मगर मैं आज आपको बोलता हूं पर मांगना ही है तो परमेश्वर से दर्शन मांगिए अगर आज आप अपनी लाइफ में एक फुल स्टॉप को महसूस कर पा रहे हैं तो वो इस कारण से महसूस कर पा रहे हैं कि शायद आपके पास दर्शन नहीं है दर्शन का जो स्ट्रेट अवे लेना देना है वो आपकी आंखों से है अगर आप किसी के दर्शन करना चाहते हैं तो क्या आप अपनी आंखें घर पर छोड़कर जाएंगे या आंखों पर पट्टी लगाकर जाएंगे अगर आपने कोई चीज देखनी है तो आपने अपनी आंखों की पट्टियां पहले उतारनी है जब आपकी आंखों की, की पट्टियां उतरेंगी या आंखों में चढ़ा हुआ काला चश्मा उतरेगा उसके बाद आप चीजों को साफ साफ देख पाते हैं। कई बार दुनिया को देखने का जो नजरिया है जो नजर है वो शायद हमने किसी और का चश्मा पहना हुआ है हम दुनिया को शायद वचन से नहीं देखते हैं हम दुनिया को शायद अपने अनुभव से देखते हैं परमेश्वर की नजर से नहीं देखते पवित्र आत्मा की नजर से नहीं देखते जो नीति वचन जो एक किताब है वो उसका लिखने वाला सुलेमान है और सुलेमान अगर आप सही में बुद्धि चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा दिन में एक चैप्टर करके पढ़िएगा आप सही में बुद्धिमान हो जाएंगे आपको मालूम चलेगा किससे कैसे डील करना है सुलेमान अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो बता रहा है कि बेटे इस तरीके से काम करना है अगर दुनिया में चलना है तो जब हम नया जीवन पाते हैं और नया जीवन पाने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो अगला स्टेप ये होता है कि हम बाइबल को पढ़ें और बाइबल में लिखी हुई जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी हिदायतें हैं उनको माने और उनके पीछे चलने लगे और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के झरों के खोल कर हमें आशीष देता है चक्कर यह होता है कि जब नया नया बच्चा पैदा होता है तो मां बाप उसकी सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं वो रात को रोता है उसको दूध पिलाया जाता है उसका डाइपर चेंज किया जाता है उसको कपड़े पहनाए जाते हैं नहलाया जाता है धुलाया जाता है मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है माँ बाप उसको इंडिपेंडेंट करने लगते हैं उसको थोड़ा आज़ाद करने लगते हैं पहले माँ बाप खिलाया करते थे थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है बोलता है बेटा खुद से खाया करो पहले मां बाप नहलाया करते थे अब बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर 20 साल का बच्चा हो गया उसको नहलाना पड़ रहा है तो उसको खिलाना पड़ रहा है तो, तो कई बार जब हम नया जन्म पाते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात परमेश्वर मैं क्या करूं अचानक से परमेश्वर जवाब देता है ये किया कर मगर जैसे ही हम फेथ में ग्रो करने लगते हैं हम थोड़ी वैसी वो वो प्रार्थनाओं के उत्तर उतनी तेजी से नहीं मिलते शायद ऐसा होता है आपके साथ जैसे ही हम फेथ में बढ़ने लगते हैं स्ट्रगल्स बढ़ने लगती हैं और और पहले जैसे ऐसे काम हो जाता था अब वैसे काम होता नहीं है आप सोचेंगे क्या परमेश्वर का प्रेम घट गया नहीं आप मेच्योर हो रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो बोलिए मैं मेच्योर हो रहा हूं मैं मैं मेच्योर की पंजाबी मुझे नहीं मालूम हिंदी उसको परिपक्व कहते हैं मैं मैं बढ़ रहा हूं मैं बड़ा हो रहा हूं इसलिए परमेश्वर ने शायद कुछ जगहों पर मुझे इंडिपेंडेंट करके छोड़ रखा है मेरी बात समझ में आ रही है दर्शन की बात मैं कर रहा था क्योंकि एक बच्चे का देखना और एक बुजुर्ग के देखने में बड़ा फर्क है बच्चे को आप एक लॉलीपॉप देके अगवा कर सकते हो मेरी बात समझ में आई एक बच्चा रस्ते में जा रहा है आप उसको एक लॉलीपॉप दो गाड़ी के अंदर खींच लो वो चुपचाप आ जाएगा चीखेगा नहीं चिल्लाएगा नहीं मगर आपने एक बुजुर्ग को अगवा करना है तो कुछ और दिखाना पड़ेगा उसको उसको पता नहीं गाड़ी के अंदर शायद दारू की बोतल दिखानी पड़ेगी फ्री का चिट्टा दिखाना पड़ेगा पता नहीं शायद कोई हीरोइन की तस्वीर दिखानी पड़ेगी बोले ये मिलेगी गाड़ी के अंदर अंदर आ जाओ तब शायद वो अंदर आएगा अगवा दोनों हो सकते हैं और अगवा होते कैसे हैं जब आप उसको कोई चीज दिखाते हो और इसीलिए आपकी नजरों के बारे में वचन यूं कहता है मती छह के तेईस में यूं लिखा गया है कि यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर बुरा होगा आंखें बुरी हैं तो उससे सारा शरीर कैसे बुरा होगा साहब मेरी आंखों से मेरे शरीर का क्या लेना देना है बहुत गहरा लेना देना है आपको मालूम है आप जिस तरफ देख रहे हैं आप उसी तरफ जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप देखेंगे कहीं और चलेंगे कहीं और थोड़ी दूर तक कर सकते हैं मगर पीछे क्या है और टक्कर खा के गिर जाएंगे आप कहीं ना कहीं आप जहां देख रहे हैं आप वहीं जा रहे हैं आज आप किस चीज को देख रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं ये आपके ऊपर है वो 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 कहावत सुनी है कहीं पे निगाहें कहीं पे वो एक आध बार चल सकता है बार बार नहीं चल सकता वो एक बार आप फिट हो गया कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना मगर बार बार आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो चीज को आप देख रहे हैं जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं आपके पांव ऑटोमेटिकली उसी तरफ जाने लगते हैं मेरी बात समझ में आ रही है प्रभु यीशु मसीह ने जब पोलस के साथ एनकाउंटर किया उस समय पोलुस पोलुस नहीं था वो सॉल था और वो कलिसिया को सताने वाला था उसके पास चिट्ठियां थी वो दमस्क दमिश्क के शहर को जा रहा था और उस चिट्ठी में उसने महायाजक से यह लिखवा लिया था कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है हम उसको घसीट के यरूशलेम में लाएंगे और फिर उसका पथराव करेंगे टेक्निकली पौलुस एक एक कलिसिया का प्रोसिक्यूटर था कलिसिया को सताने वाला था मजेदार बात है वो दमिश के रस्ते पर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और वो दोस्त भी मुझे लग रहा है बहुत पहलवान टाइप के होंगे क्योंकि ऐसे आदमी आम आदमी किसी के ऊपर हाथ नहीं डालते मजेदार बात होती है जब प्रेरितों के काम नौ को पढ़ते हैं कि पोलुस की जो सबसे पहली चीज परमेश्वर बंद करता है उसकी आंखें उसकी आंखें परमेश्वर बंद कर देता है और जब 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 हम प्रेरितों के काम नौ को पढ़ते हैं तो वहां पे एक 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 हनाया नाम का व्यक्ति है और उसको जाके बोलता है कि तू उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसकी उसकी आंखें वापस मिल जाए और जब हनाया प्रेरितों के काम नौ में जाकर उसके लिए प्रार्थना करता है जब टेढ़े पौलुस को परमेश्वर ने सीधी गली के अंदर रखा था तो उसकी आंखों की झिल्लियां हट जाती हैं और सोल पौलुस बन जाता है और उसको एक नया दर्शन मिलता है जो कलिसिया का सताने वाला था वो इतना ऐसा बन जाता है कि वो कलिसिया बनाने लगता है ये दर्शन की बात है अपने पड़ोसी से कहिए दर्शन की बात है बोलिए जोर से बोलिए दर्शन की बात है आज आप क्या तोड़ रहे हैं क्या बना रहे हैं ये दर्शन की बात है आज आपका दर्शन क्या है परमेश्वर से आज हम दर्शन की बारों में मांगने जाते हैं कई कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे सेवकों से मैं मिलता हूं बातें भी होती हैं कई लोग सेवकों के कॉल्स भी आते हैं प्रार्थना भी हमसे कराते हैं शुरुआत हुई कि हमको सेवकाई में जाना है जी परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि आप सेवकाई करेंगे जोश में आ गए हाल लुया हम सेवकाई करेंगे एक साल दो साल उसके बाद सारा जोश फुस शुरू हुए थे एकदम सही हुए थे सही दर्शन था आपके पास कि हमने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है प्रभु की कलिसिया को बनाना है बीच रस्ते में क्या हुआ साहब बीच रस्ते में आज परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है कि जो बीच रस्ते में कहीं ना कहीं आप चले किसी और थॉट के साथ थे चले किसी सही सोच के साथ थे मगर बीच में शायद नशे ने आपको घेर लिया बीच में शायद व्यभिचार ने आपको घेर लिया बीच में शायद पैसों के लालच ने आपको घेर लिया आप शुरू सही हुए थे आपका नया जन्म एकदम सही हुआ था आपके अंदर जोश था परमेश्वर के लिए काम करने का जुनून था मगर बीच में पता नहीं कुछ हो गया सब बोलो बीच में कई बार चर्चिस के अंदर टेस्टमनी होती है मुरुकल यह हो गया जी मैं बीमार था चंगा हो गया जी मैं गरीब था मेरे पास पैसे आ गए जी मेरे पास घर नहीं था मेरे पास घर आ गया जी और हम इसी बात को पकड़ के ले लेते मगर बीच की कहानी कोई नहीं सुनता यहां पर अगर कोई कहे कि हमारी शादी को 40 साल हो गए सब लोग ताली बजाएंगे 40 साल हाल अल्लू कितने अच्छे अंकल आंटी हैं मगर जिस दिन उन्होंने अपनी शादी शुरू की उसके बारे में कोई नहीं पूछता कि पहले दिन कैसा था चाय में चीनी थी या नमक था अब आंटी को पता है कि चाय में शक्कर जाती है मगर जिस दिन आंटी नई नवेली दुल्हन थी उसको पता भी नहीं था कि नमक और चीनी के बीच का डिफरेंस क्या है जब शादी शुरू हुई थी साग आपका ऐसे स्वाद वाला नहीं बन रहा था आपको एक्सपेरिमेंटल फूड एक्सपेरिमेंटल फूड मालूम है अभी कभी बनाए जो खाना बनाना सीखते हैं पहली रोटी कभी गोल नहीं बनती अफ्रीका का नक्शा बनता है और जब आप अपने पापा के पास लेके जाते पापा बोलते वाह मेरी बेटी ने दिया है उसी तरीके से कुछ पति भी होते हैं वो बेचारे कुछ बोलते नहीं खा लेते चुपचाप से हम सोच रहे चालीस साल हो गए शादी के लिए हाल एलू या द लॉर्ड मगर उस चालीस साल का जो सफर है उसके बीच में क्या हुआ बीच की बात कोई नहीं करता है सब शुरुआत की बात करते हैं अंत की बात करते जो अगर बीच में बीच में बहुत सारी बातें होती हैं जिनको आज हमने जानना बड़ा जरूरी है मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बीच में कहीं ना कहीं खो गए हैं और परमेश्वर का आत्मा खास तौर पे आज मुझको उनको याद दिलाने के लिए बोल रहा है आपने बाइबल में एक कहानी सुनी होगी यूसुफ यूसुफ एक 12 साल का लड़का था और परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है और दर्शन में ऐसा होता है कि उसके जितने भाई बहन हैं माँ बाप हैं उसके सामने झुक जाएंगे यूसुफ ने कोई दर्शन मांगा नहीं था परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था कि तेरे जितने भी तेरे परिवार वाले तेरे सामने आकर झुकेंगे फिर वो तारों को देखता है और फिर वो बंडल्स ऑफ वीट देखता है उसके सामने झुक रहे हैं और यूसुफ बच्चा था बारह साल का उसको क्या पता बच्चे को जो बोलो वो बोलता है बच्चे ने बोल दिया मजे मजे में बच्चे ने एक दर्शन देखा जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिखाया था जो सच्चाई भी थी और दर्शन यूसुफ ने अपने परिवार वालों के साथ बांटा अपने भाई बहन के साथ बांटा उन्होंने उसको 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया मजेदार की कहानी है हम यूसुफ की जब भी कहानी सुनते हैं हम सोचते हैं यूसुफ एक राजा बन गया द प्रिंस ऑफ इजिप्ट बन गया मगर वो जो वो जो वो जो पकड़ाया जाना है जब उसके अपने भाइयों ने उसको 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया वो पोतिफर के घर में जाता है वहां पर उस पर ऊपर गलत इल्जाम लगता है वो जेल में जाता है जेल के अंदर दो ऐसे आदमी मिलते हैं जिनका जिनको सपनों के बारे में यूसुफ बताता है मजेदार बात है परमेश्वर इन इन बीस सालों में यूसुफ को एक दर्शन नहीं देता प्रभु आपने जब मेरी शुरुआत हुई थी आपने मेरे को एक दर्शन दिया था कि मेरे माँ बाप मेरे सामने आकर झुकेंगे मेरा सारा परिवार मेरे सामने आकर झुकेगा ये मेरी जिंदगी में क्या स्यापा हो गया मैं मैं कहीं था मैं अब गुलाम बन गया हूं मैं जेल में आ गया हूं और मेरे पास कोई दर्शन ही नहीं है ये जो ये जो बीच का बात है ना ये हम हम नहीं सुनते हैं ना समझते हैं कई बार ये बीच की कहानी है सबको स्विट्जरलैंड जाना है मगर बीच का सफर सबको आज कश्मीर देखने जाना है मगर बीच का सफर साहब जब आप टेढ़ी मेढ़े रस्तों से ऊपर उठोगे आपको उल्टी आएगी आप अपने गाड़ी रोक के सोडा पियोगे मगर मजा वहां पर भी है मजा वहां पर भी है हम हम कई बार मंजिल में पहुंचने के लिए सफर को छोड़ देते मेरी बात थोड़े ध्यान से सुनना हम मंजिल में जाने के लिए सफर छोड़ देते मंजिल जरूरी है मगर जरूरी है सफर का मजा लेना भी हम हम आज भर लोग हैं मगर परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर ने खाली मुझको नहीं कहा है आप में से कई सारे लोगों ने देखा है कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं है अब मैं उदास होकर बैठ जाऊं वही लोग कुछ नया नहीं हो रहा देखो उनके पास कितना है हमारे पास नहीं है दुखी होना चाहिए मुझे सफर का मजा लो बॉस आपका कौन है पराया कौन है यही समय है जब कल बिल्डिंग बन जाएगी सब टोपी पहन के फोटो खिंचवाने आ जाएंगे मगर आज बिल्डिंग नहीं है तो कौन तुम्हारे साथ पसीना बहा रहा है कौन तुम्हारे साथ इस टेंट के नीचे बैठा हुआ है सफर है सफर बहुत चीजें सिखाता है जब नोट होंगे जेब में तो दोस्त ढूंढने नहीं पड़ते साहब आपको खुद मिल जाते हैं हर गली में आपका दोस्त होता है जब जेब में नोट नहीं है खाली बटुआ लेकर घूम रहे हैं वो सफ़र है वहां कौन आपसे दोस्ती करता है वहां कौन पूछता है बेटा तूने खाना खाया नहीं खाया क्या मैं आपको ठंडा पानी दू कि नहीं दूं जब मुसीबत आई मैं एक यूसुफ की खास बात बताता हूँ वो पहले भी दर्शन बताता था वो जब जेल में गया तब भी वो दर्शन बताने लगा अपने साथ के जेल वाले दोस्तों की उसने मदद की और दोस्त उसको भूल गए दोस्त उसको भूल गए मगर एक चीज उसको नहीं भूली वो है प्रभु बाइबल यू बताती है मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है मगर यहोवा तुझको नहीं भूलेगा वो मुझे नहीं त्यागेगा यहोवा ने वो दर्शन यूसुफ को दिया था और यहोवा ने फिर एक दर्शन दिया वो यूसुफ को नहीं दिया फिर को दिया परमेश्वर आपके लिए एक जगह बना रहा है अगर आज आप यहां पर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि सफर के बीच में कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में वो दर्शन खो गया है पिता मैं चला था कि मैं बड़े घरों को देखूंगा बड़े बिजनेस को देखूंगा बड़ी मिनिस्ट्री को देखूंगा छोटी शुरुआत के दिनों को तुच्छ मत जानो ये छोटी शुरुआत बड़ी काम की चीजें हैं परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि छोटी शुरुआत के दिनों को तुच्छ ना जानो अगले तेरह साल तक अगले तेरह साल तक यूसुफ के पास कोई दर्शन नहीं था मगर परमेश्वर उसको भूला नहीं उसको त्यागा नहीं यही कहानी दाऊद की भी है दाऊद का जब मस्सा होता है वो एक 12 साल का लड़का है लगभग 12 साल का लड़का है और जब वो गोलायत को मारता है तो उसकी उम्र करीबन 16 साल की है और चार पांच साल वो साउल की सेवकाई में रहता है जब उसका अभिषेक हुआ था वो बारह साल का था और उसका अभिषेक इसलिए हुआ था कि वो इसराइल का राजा बनने वाला है मगर बीच में दाऊद की जिंदगी में इतना कुछ होता है बीस सालों में गोलायत को वो मारता है साउल की जिंदगी को वो बचाता है साउल के अंदर से दुष्टात्मा वो शांत करवाता है मगर वही साउल दाऊद को भाले से मारने लगता है दाऊद अपने जिन जिन फिलिस्ती को वो मार रहा था उनके उनका दोस्त बन जाता है वो भगोड़ा हो जाता है और 20 साल तक उसकी जिंदगी में ना जाने क्या क्या हुआ प्रभु दाऊद का सवाल होगा कि परमेश्वर क्या तू वही प्रभु नहीं है जिसने मेरा अभिषेक किया अगर तूने मेरा अभिषेक किया तो मेरे ऐसे बैंड क्यों बज रही है सुनो आपकी बैंड इसलिए बज रही है क्योंकि एक बड़ी आशीष आपके पास आने वाली है अगर अगर शैतान को पता है कि आपकी बरकत बड़ी है तो वो बड़े लफड़े भी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है इन बड़े लफड़ों को देखकर आप कम से कम ये समझ जाएं कि बरकत एक बड़ी आने वाली है कई बार हम इन बड़े लफड़ों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार बरकत नहीं आने वाली ये बड़े लफड़े इस बात का इंडिकेशन है ये बड़ी मुसीबतें ये बड़ी अड़चने इस बात का इंडिकेशन है कि परमेश्वर ने बड़ी आशीषें हमारे लिए रखी हुई हैं अब्राहम की बात करते हैं अब्राहम शुरू होता है एक 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 अन्य जाति से अन्य जाति से वो शुरू होता है परमेश्वर उसको दर्शन देता है कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा और 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 सौ साल बीत जाते सौ साल बीत जाते उसको उसको एक बच्चा तक नहीं है मैं जाति जाति का पिता कैसे बनूंगा जब मेरे पास एक बच्चा तक नहीं है आपने प्रभु आपकी आवाज सुनी मैंने आपके चक्कर में मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया मैंने मैंने अपने अपने जो भी मेरे पास चीजें थी उन सब चीजों को छोड़ दिया मैं मैं एकदम अलग हो गया परमेश्वर मगर अभी भी आपने मेरे को ब्लेस नहीं किया जो जो आपने कहा मैं वो वो चीजें करता हुआ आ रहा हूं और उसके बाद अब्राहम की लाइफ में एक टाइम आता है कि वो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए अपना जुगाड़ लगाने लगता है कई बार हम में से लोग अब्राहम की तरह सोचते हैं कि परमेश्वर ने यह दर्शन दिया है तो इसको पूरा शायद मैं ही कर सकता हूं जुगाड़ लगा लेते हैं अगर आ, सही से पैसे नहीं मिल रहे तो थोड़ा सा चोरी करके पैसे निकाल लेता हूं क्या है भले काम के लिए तो चोरी कर रहा हूं कोई गलत काम के लिए चोरी थोड़ी ना कर रहा हूं चर्च बनाने के लिए तो चोरी कर रहा हूं आ, किसी की जमीन लिखवा लेते हैं, ओ, चर्च के लिए दे दो हम पैसे दे देंगे नहीं बुरी बात नहीं अगर कोई लिखना चाहता है तो उसका स्वागत है मगर जालसाजी करके जब हम किसी से लिखवा लेते हैं चर्च के लिए किया है अब्राहम ने भी एक जालसाजी करी अब्राहम ने भी सोचा कि मैं परमेश्वर की मदद कर देता हूं परमेश्वर थोड़ा सा शायद ढीला पड़ रहा होगा आ, मैं हाजरा के साथ शादी करके एक 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 बच्चा पैदा कर लेता हूं और जब उसने ऐसा किया उसने अपनी लाइफ का बड़ा मिस्टेक क्रिएट कर दिया दर्शन परमेश्वर की तरफ से है उसको पूरा भी परमेश्वर करेगा कई बार हम 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 थक जाते रास्ते के बीच में और, और आ, हम ये सोच रहे हैं कि हम, हम हमें मदद कहां से मिलेगी ऐसा है कि शायद मैं अपनी मदद खुद कर लेता हूं अगर कोई नहीं मदद कर रहा तो मैं अपनी मदद खुद कर लेता हूं। और और इसी चक्कर में हम गड़बड़ खा जाते हैं हम कई बार एक उस औरत की कहानी सुनते हैं जिसके 12 साल से लहू बह रहा था और जब मैं उस औरत के बारे में सोचता हूं कि क्या मुझे पता नहीं था कि यह औरत को मालूम है एक इब्रानी औरत थी क्या इसने रोजे नहीं रखे होंगे अगर ये हजारों डॉक्टरों के पास गई तो क्या इसने रोजे नहीं रखे होंगे क्या इसने कलाम नहीं पढ़ा होगा क्या इसने ये सब नहीं किया होगा अगर उसने ये सब किया और फिर भी उसे शिफा नहीं मिली फिर भी उसे शिफा नहीं मिली मगर उसके अंदर कहीं वो वो दर्शन खोया नहीं था उसको मालूम था कि मेरी मदद परमेश्वर यहोवा की तरफ से उसने वो छोड़ा नहीं हम में से बहुत सारे लोग जब हमारे को शिफा नहीं मिलती है जब हमको जिस जिस चीज के लिए हम चले हैं वो नहीं मिलती है हम छोड़ देते हैं हम छोड़ देते हैं और क्योंकि हम छोड़ देते हैं इसीलिए हम रास्ते में गोल गोल घूमने लगते हैं इसराइलियों का प्रॉब्लम यह था कि उनको लगा कि जैसे ही मिस्र से बाहर निकलेंगे हमारी लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं होगी उनको क्या पता था अगले ही पल मिस्री सेना उनके पीछे लगने वाली थी जिन्होंने अपने घर से सोने चांदी देकर उनको रुखसत किया और वही पूरे रथों और घोड़ों के साथ उनके पीछे आने वाले थे कई बार चर्चिस के अंदर खाली मिरकल 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 सिखाया जाता है टेस्ट मनी टेस्ट मनी सिखाया जाता है मगर जो बीच का मार खाना है वो कोई नहीं सुनाता वो कोई नहीं सीखता और क्योंकि हम वो नहीं सीखते इसलिए हमारा फेत कमजोर है हमको मिरकल चाहिए मिरकल मसीह भी देता है और आप शैतान के पास चला जाओ मिरकल वो भी देता है आपने कहां से लेना है वो आपको सीखना है शैतान आपका सगा नहीं है अगर उसने एक दिया है तो दस निकालेगा भी दस निकालेगा भी अलग अलग तरीके से निकालेगा मगर निकालेगा जरूर मैं हना के बारे में सोचा था जिसने सामूएल को पैदा किया हैना को बच्चा नहीं था और उसके उसके बगल में पिनायना नाम की एक औरत थी उसकी सौतन वो हर साल बच्चे पे बच्चा जोड़े जाए बच्चे पे बच्चा जोड़े जाए और ये औरत दुखी हो जाए कि 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 मेरे पास एक भी नहीं मेरे पास एक भी नहीं और ये हर साल इसका एडिशन चालू है और मैं परमेश्वर से सोच रहा था कि प्रभु अगर तूने देना ही था तो तूने हैना को पहले क्यों नहीं दिया मालूम है क्यो? क्यों क्योंकि कई क्यों बार जब आसानी से आशीषें मिल जाती हैं तो उसकी कदर नहीं होती जिनको आसानी से पति मिल गए या पत्नियां मिल गई उसकी कदर नहीं हुई जिनको आसानी से नौकरियां मिल गई उसकी कदर नहीं हुई जिनको आसानी से घर मिल गए उसकी कदर नहीं हुई जिनको आसानी से बच्चे मिल गए उनकी कदर नहीं हुई कई बार आपको तड़पना पड़ता है ताकि आप उन चीजों को कदर कर सकें परमेश्वर कुछ चीजें आपको दिखा रहा है शायद तड़पा रहा है ताकि आप उनकी कदर कर सको क्योंकि अगर आप कदर करना नहीं सीखेंगे आशीषों को रखना मुश्किल है चाहे किसी भी किस्म की आशीष है मेरी बात समझ में आ रही है एक मजेदार बात है अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको याकूब एक के तीन में खोल लीजिए और हम वहां से पढ़ेंगे सवाल ये होता है कि परमेश्वर आप इतना तरसा क्यों रहे हैं मुझे परमेश्वर आप इतना तरसा क्यों रहे हैं मुझे अगर आपका सवाल है तो ये 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 वचन आपके लिए है याकूबेब का तीन यूं कहता है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है जब आपका फेथ टेस्ट किया जाता है तब पेशेंस आता है पेशेंस आता है जितने लोगों की शादी नहीं हुई है आप शादी करना चाहते हैं मेरी बात सुनिएगा आपको सुंदर लड़की की जरूरत नहीं है या सुंदर लड़के की जरूरत नहीं है एक ऐसा आदमी चाहिए जो पेशेंस रखता हो क्योंकि परफेक्ट आप भी नहीं है परफेक्ट वो भी नहीं है पेशेंस और दुनिया में चर्च में आजकल मेरिकल ज्यादा सिखाया जाता है पेशेंस कम सिखाया जाता है क्योंकि जो क्योंकि आदत पड़ चुकी है हमको फास्ट फूड खाने की फास्ट फूड का मतलब है अवन के अंदर डाला और 30 सेकंड में बाहर और 30 सेकंड वाला फूड जब आप खा लेते हो वो आपके सिस्टम में रहता है और बाद में कहीं ना जा, जाकर वो कैंसर बन जाता है अगर आपने ईमानदारी से अच्छा खाना खाना है ना तो उसका टाइम लगता है सवेरे से उठ के अगर जितनी बहनें यहां बैठी हैं वो बताएंगी कि सवेरे से उठ के पहले थॉट आपके दिमाग में क्या आना है कि की बनना है पहला ही उठते सोचे की बनेंगे रात की दाल पड़ी है दाल के पराठे फिर पराठे बनाते बनाते आप हटे नहीं कि दोपहर का खाना क्या बनेगा वो सोच रहे दोपहर का खाना आपने बनाना चालू किया नहीं रात के खाने के बारे में आप सोच रहे टाइम लगता है बॉस मगर कुछ एक जनरेशन ऐसी है जो 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 माइक्रोवेव वाली जनरेशन है उनको पका पकाया खाना मिलता है बाजार से लेकर आते हैं फ्रिज से निकालते हैं माइक्रोवेव में डालते टन खत्म मगर यही खाना जब वो खा लेते हैं वो इसके शरीर के अंदर रह जाता है वो बाहर नहीं आता और बाद में बोलते मेरे को ट्यूमर हो गया पेशेंस पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है पेशेंस और कलिसिया के अंदर पेशेंस नहीं सिखाया जाता टेस्टिंग ऑफ फेथ बाइबल याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा है द टेस्टिंग ऑफ फेथ विल ब्रिंग इन पेशेंस अगर आज आपकी जिंदगी में किसी बात की घटी है तो शायद परमेश्वर आपको पेशेंस सिखा रहा है मैं गाड़ी चलाने वाले के अंदर क्या देखता हूं कि उसको स्टीयरिंग व्हील पे बैठना आता है कि नहीं वो कितने पेशेंस के साथ गाड़ी चलाता है अगर मैं किसी को अपनी गाड़ी की चाबी दूंगा तो मैं पहले यह जानना चाहता हूं इस आदमी के अंदर धीरज है कि नहीं है क्योंकि अगर उसके अंदर धीरज नहीं है तो वो सबसे खतरनाक ड्राइवर है वो सबसे खतरनाक ड्राइवर है वो मतलब चौड़ी मतलब हाईवे के अंदर भी वो धीरज से नहीं चलाएगा अगर आप अपनी जिंदगी की बागडोर में तौर पे दोबारा बोल रहा हूं जितने लोग शादी करने वाले हैं जो शादी कर चुके हैं परमेश्वर से मांगो कि मेरे पति पत्नी के अंदर पेशेंस आए जितने करने वाले हैं वो जान लीजिए कि पेशेंस इज द की अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर कुछ देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज देखिए क्या ये धीरज धरने वाला व्यक्ति है या नहीं क्योंकि यह गिफ्ट पवित्र आत्मा की तरफ से आता है उसके बाद एक एक आ, क्योंकि जो धीरज नहीं धरता मैंने कुछ बातें लिखी आज सवेरे सवेरे वो सीख नहीं सकता क्योंकि सीखने के लिए आपको धीरज धरना पड़ेगा अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं क्योंकि कई लोग स्कूल से बाहर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो धीरज नहीं है उनके अंदर पेशेंस नहीं है इसलिए वो स्कूल छोड़ देते चौथी पांचवी छठी सातवीं तक स्कूल छोड़ देते मार बहुत पड़ती थी मार बहुत नहीं पड़ती थी साहब आप में पेशेंस नहीं था सीखने के लिए दूसरी चीज जिनके पास परिवार नहीं होते वो इस कारण से नहीं होते कि वो व्यक्ति आ, उनके परिवार बुरे हैं शायद आपके पास पेशेंस नहीं है एक दूसरे को समझने के लिए बहुत सारे रिश्ते टूटे हुए हैं वो इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि शायद हमारे पास पेशेंस नहीं है एक दूसरे के लिए तीसरी चीज है कई लोगों के पास आशीष इसलिए नहीं होती क्योंकि शायद उनके पास पेशेंस नहीं है अगर आपने कुछ भी संभालना है तो आपको पेशेंस चाहिए परमेश्वर ने अगर आपको एक कागज का टुकड़ा भी दिया है उसको संभालने के लिए आपको पेशेंस चाहिए परिवार सीखने के लिए बिजनेसेस चलाने के लिए आज अगर एक एक किले पहली आपको मिल गई पेशेंस आपके पास मासा भर भी नहीं है क्या करोगे आप कुछ नहीं करेंगे उसका वो चला जाएगा ऐसे ही वो चला जाएगा ऐसे ही जिस तरीके से आया है उस तरीके से चला जाएगा क्योंकि धीरज धर के परमेश्वर की बांट जो ना बड़ी जरूरी है आज हमने YouTube पे देख लिया मिरकल हमें कल ही मिरकल चाहिए क्या मिर्कल इतना आसान है कुछ लोगों के लिए शायद आसान है मगर कुछ लोगों के लिए मिरकल बहुत मुश्किल है आप हैना से पूछो उसको मिरकल कैसे मिला आप आप दाऊद से पूछो उसको मिरकल कैसे मिला आप यूसुफ से पूछो उसको मिरकल कैसे मिला आप अब्राहम से पूछो उसको उसका मिरकल कैसे मिला हम सभी को मिरकल चाहिए मगर पेशेंस किसी को नहीं चाहिए आज परमेश्वर से अगर कुछ मांगना है तो कहिए परमेश्वर मुझे दर्शन दीजिए दूसरा मुझे पेशेंस दीजिए बोलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है एजिकल आइए उस पर चलते हैं और उसका सैतीस खोल लेंगे यशाया, यहरमिया, येजिक्यो आसान है यशाया, यहरमिया, एजिक्यो पुराने नियम की किताब है हाँ मिल गया येजिकियल सैतीस का ग्यारह में चलेंगे मैं येजिकियल की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ एक भविष्य वक्ता हुआ जिसको परमेश्वर दर्शन दे रहा था और दर्शन इस बात के लिए दे रहा था कि वो इज़राइल को वापस लाना चाह रहा था इज़राइल को वापस रिस्टोर करना चाह रहा था परमेश्वर ने उसको बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दिए और मजेदार बात है कि परमेश्वर उसको एक और दर्शन देता है यजिकल सैंतीस जब आप पढ़ते हैं और वहां पर वचन यू कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर था और वो मुझको एक गहरी काली तराई में लेकर आ गया जब कभी भी हम परमेश्वर के दर्शनों की बात सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का दर्शन हमको ऊंची ऊंची जगहों पर मिलता है कि सुंदर सुंदर खूबसूरत चीजें आज मुझको देखने को मिलेगी परमेश्वर ने दर्शन दिया है और मुझे खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी मेरी जिंदगी में तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है मगर मज़ेदार बात है जब आप एजिक्यल को पढ़ते हैं एक टफ जनरेशन उसके सामने है और एजिकल को परमेश्वर एक गहली काली तराई के अंदर ले आता है टेक्निकली अगर आप इसको देखें तो एक कब्रगहा खुली हुई कब्रगहा के अंदर ले आता है मगर मजेदार बात है जब मैं परमेश्वर से पूछता हूं परमेश्वर क्या आपने मूसा को ऊंचे पहाड़ पर नहीं मिले जहां झाड़ी जल जल तो रही थी मगर खाक नहीं हो रही थी क्या आपने मूसा को दस कमांडमेंट्स ऊंची पहाड़ी के ऊपर नहीं दी क्या आपने अब्राहम को यहोवा ईरे कहने का जो जो आ, जो जो मायदा था वो ऊंची पहाड़ी पर नहीं दिया क्या आपने एलिया को आ, कारमेल की पहाड़ी के ऊपर अपना जलवा नहीं दिखाया तो एजिकियल को तराई पर क्यों लेकर आ रहे हो कई बार हमारी जिंदगी केवल ऊंचे पहाड़ों के एक्सपीरियंस को ढूंढते ढूंढते निकल जाती है मगर असली लड़ाई तराई में हो रही है क्योंकि आप जान लो जो पहाड़ों का परमेश्वर है वही तराइयों का भी परमेश्वर है जो ऊंची जगहों का परमेश्वर है वो नीची जगहों का भी परमेश्वर है आज आपको एक बात बता दूं कि जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर ही उसको पूरा करने जा रहा है हिम्मत नहीं हारना है हौसला नहीं हारना है हो सकता है परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है आपकी लाइफ के बारे में मिनिस्ट्री के बारे में फैमिली के बारे में चंगाई के बारे में छुटकारे के बारे में मगर कई बार ऐसा हमारी लाइफ में हो रहा है कि चर्च में आ रहा हूं मगर मुझे छुटकारा महसूस नहीं हो रहा है मैं आपके वचन को पढ़ तो रहा हूं मगर वो जो पैसे मेरी लाइफ में आने हैं वो आ नहीं रहे हैं जो आशीषें मेरी लाइफ में आ रही हैं वो आ नहीं रही हैं वो जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है तो परमेश्वर उन उन लोगों से आज यूं कहता है कि ये एजिकल की जगह के ऊपर ले चलता हूं जिकल सैतीस का ग्यारह यूं कहता है फिर उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं टेक्निकली परमेश्वर का प्रॉफिट आप सोचेंगे प्रोफेसी आजकल बड़ी मजेदार होती है आजकल की प्रोफेसी करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की भी जरूरत नहीं है जितनों के नाम एन से हैं वीजे लग रहे हैं कनाडा के लिए आमीन बोल दो ताली एन से कितने बैठे यहां पे? एन से कितने हैं अबे एन से एक भी नहीं है नीलू निकम्मी कोई तो होगा निकम्मा निर्बुद्धि अच्छा एन से कोई नहीं है गल, गलती होगी एस 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 हां एस वाले सारे अमरीका जा रहे हैं वाह जी वाह ताली जितने 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 के नाम ए से हैं उनके बेटे पैदा होंगे ताली ये 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 माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस है ताली प्रॉफेट जी बोल रहे हैं ताली जिनादे नाम ए से हैं सारे जिनादी शादी साल होने वाली है ताली हो गया जी चर्च वेलकम टू चर्च दिस इज चर्च कोई ये नहीं बताता जिन्हें ना नाम परमेश्वर का आत्मा यूं कह रहा है कि तुझे थोड़े कोड़े खाने पहने मसीह अपने बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहा था कि मैं मारा जाऊंगा कोड़े खाऊंगा कनेडा जाऊंगे कनेडा ये क्या हो रहा है आपको मालूम है आपके फ्लैश आपकी चमड़ी के साथ खेला जा रहा है जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको मैं सुना सकता हूं जो आप सुनना चाहते हैं मैं आपको बहुत अच्छे से सुना सकता हूं हर आदमी को चलाने के लिए चाबियां चाहिए होती हैं मुझे मालूम है किसकी क्या चाबी है उसको वो चाबी दे सकता हूं मगर क्या वो परमेश्वर की इच्छा है क्या प्रभु चाहता है क्या वो प्रभु चाहता है जो प्रभु नहीं चाहता अगर उसको खा भी लोगे ना तो मुंह में रख नहीं पाओगे अगर मुंह में रख भी लिया तो पेट में नहीं जाएगा अगर पेट में चला भी गया तो बहुत जगहों से बाहर आ जाएगा सबको माउंटेन टॉप में जाना है कनेडा हीलिंग शादी कर्जे मुक गए पैसे मल्टीप्लाई हो गए हाले लुया ताली बजाओ चल गए सारे चर्च हो गया चर्च बिग टेस्टमनी बिग प्रोफेसी पॉलुस ने ऐसा कभी नहीं किया पता नहीं मैं लोगों को क्या चल रहा है बाबाओं के पास भी तो ऐसा ही हो रहा है हमने पासबान और बाबा के बीच का फर्क नहीं समझा जो परमेश्वर का भविष्य वक्ता है वो परमेश्वर का मैसेंजर है परमेश्वर का मैसेज आप तक पहुंचाता है और परमेश्वर का मैसेज कभी ऐसा नहीं होता वो नाम की चिट्ठी है वो नाम से पहुंचती है वो बेनाम की चिट्ठी नहीं है कि जिन्हें का नाम एन से है एस से है एम से है क्यू से है एल से है वो अपना कर लो लोकी लोकी अपने फ्लैश को ग्रेटिफाई करने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर कभी इसको पढ़ के देखा है यह बड़ी काम की चीज है आप मेरे को इस कवर से लेकर उस कवर तक प्रकाशित वाक्य तक उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक आदमी दिखा दो जिसके ऊपर सताव ना हो जो जिसका ट्रायल ना किया गया हो आप ईशु मसी के जीवन को देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में हम क्या देखते हैं वो पैदा कहां पे हुआ चारागाह के अंदर उद्धार पैदा होता है जगत का उद्धार करता कहां पैदा हो रहा है चारा गाह के अंदर और हु आज की चाहिए मैंने एक गाना सुना शायद आपने भी सुना होगा जिथे खुदादा नबी होवे नहीं उधर खुदा होवे मतलब बाइबल ही बदल दी भाई ने बाइबल बदल चुका भाई ने खुदा खुदादा नबी होवे उधर खुदा होवे कि जिधर खुदा होगा उधर खुदा का नबी जाएगा और 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 वीडियो क्या है बंदा गाड़ी से उतर रहा है चार आदमी आगे चल रहे हैं मैं इसमें परमेश्वर की बढ़ाई कैसे हो रही है मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो माफी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को और उसके नीचे प्रेज़ द लॉर्ड हाले जो लिख रहे हैं उनको तो पता नहीं कौन सा चिट्टा पिया है हमें भी बताओ कहां मिलता है जिथे दा नबी में बाइबल में लिखता है परमेश्वर ओमनी गॉड है ये कैसा गीत है ईशु मसीह चारागाह में पैदा होता है तैतीस साल वो अपनी मां के हाथ के नीचे रहता है यूहन्ना बत्तीस देने वाला उसका बत्तीस देता है और जब जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखता है पवित्र आत्मा उसको मंदिर जंगल में ले गया ताकि उसकी परख हो सके और जो उसकी परख कैसे होती इतनी आसान नहीं चालीस दिन चालीस रात तक भूखा होता है शैतान उसको बोलता है कि इस 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 पत्थर को रोटी बना दे ईशू बोलता है मैं नहीं बनाऊंगा ईशु कॉम्प्रोमाइज कर सकता था ना पापा जीवन की रोटी तो मैं ही हूं इतनी भूख लगी है एक रोटी बना लूंगा तो तुम्हारे बाप का क्या जाएगा तुम्हारा बेटा खा लेगा बनाने दो ना एक रोटी ईशु ने कभी ऐसा नहीं किया शैतान ईशु को बोलता है अपने आप को नीचे गिरा दे मैं तुझे बचा लूंगा जो मुर्दों को जिला सकता है वो अपने को जिलाने में क्या प्रॉब्लम है वही उस, उसी की प्रॉफेसी थी कि ना तुम मुझसे कुछ लेते हो ना तुम मुझे मार सकते हो मैं खुद अपना जान देता हूं और मैं खुद ही को जिलाऊंगा तीसरी बात शैतान ईशु को ऊंची जगह पर ले गया प्रॉफेसी देकर वो जो कुछ भी तुझे दिख रहा है वो सब मैं तुझे दे दूंगा मेरे सामने जरा झुक जा आजकल ऐसी चर्चेस कामयाब हो रहे हैं मेरे को कोई गिला नहीं है उन लोगों से मैं उनसे लिए प्रार्थना करता हूं ना जो चला रहे चर्च ना उनसे मुझे कोई गिला है परमेश्वर आपको बरकतें दे आशीषे दे प्रभु आपकी बुद्धि को खोले यीशु मसीह को ऊपर की जगह पर ले जाता है और बोलता है थोड़ा सा मेरे सामने झुक जा थोड़ा सा इतना सा बस ऐसे कर दो सब तुम्हारा लाखों करोड़ों की भीड़ वहां पर मौजूद है यीशु मसीह अपनी मुंडी नहीं हिलाता ये जो ऊंचा आपको कौन लेकर जा रहा है यह आपने सोचना बड़ा जरूरी है आपको यह पहाड़ के ऊपर लेकर कौन जा रहा है पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा सारी बरकतें आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं। यीशु मसीह में सारी बरकतें आपकी हैं मगर क्या आप यीशु मसीह के तरीके से चलोगे या अपने तरीके से चलोगे यीशु मसीह को भी पर दुष्ट आत्मा पहाड़ के ऊपर ले गया और कहता है कि एक बार अपनी मुंडी झुका दे जरा जो जंगे हैं वो पहाड़ के ऊपर नहीं है वो पहाड़ के नीचे हैं तराइयों में है और उस तराई की कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं एजिकल सैतीस का ग्यारह फिर उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं हमारी आशा जाती रही है हम पूरी रीति से कट चुके हैं इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों देखो तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको मैं उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुम उनमें से निकलो निकालू तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा ने यह कहा है और किया भी है यहोवा की यह वाणी है मजेदार बात है परमेश्वर आप अपने नबी को एक ऐसे हालात में लेकर जाते हैं आपने उसको प्रॉमिस किया था कि एक जीवित देश आप उनको देंगे एक जिंदा जगह आपको उनको देंगे आप उनको कहां लेकर आ गए मुर्दे हड्डियों और हड्डियां भी नहीं हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है सर किसका है धड़ किसका है किसी को नहीं पता है दर्शन मिला था मुझे कि एक सामर्थी चर्च खड़ी होगी मगर ये क्या ये क्या ये तो हर दूसरे दिन बाबा के पास जाने को रेडी है ये क्या मेरे को दर्शन मिला था कि मेरे पास खूब पैसे होंगे अभी अभी मेरी जेब में पांच पांच रुपए भी नहीं है मुझे दर्शन मिला था कि मेरा अपना बिजनेस होगा और अभी मेरे को दिहाड़ी पर कोई नहीं बुला रहा है मेरे को दर्शन मिला था कि यह चीज होगी और 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 यह हो नहीं रही है यह क्या दर्शन मैंने गलत देख लिया क्या प्रभु क्या मैंने यह गलत देख लिया क्या यह मेरी दिमाग की यह सोच है कोई मैंने सोचा था कि दुनिया में सबसे सुंदर घर मेरा होगा मगर ईटे तक मेरे घर में नहीं है ईटे तक मेरे घर में नहीं है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर उम्मीद नहीं है वहां पर प्रभु अपने दास को लेकर जाता है मैं नहीं जानता आज आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस शायद आपके पास है नहीं कि आप सोचो कि सब कुछ चमत्कार चिन्ह में हो जाएगा शायद आपके पास वो सूखी हड्डियां हैं यहीं पर विश्वास की जरूरत है यहीं पर विश्वास की जरूरत है जब आपके जेब में इतने पैसे हैं कि जब आप जेबों से बाहर निकल रहे हैं तब आपको विश्वास की जरूरत नहीं जब आपके पास किले किले पहली पैलियां पड़ी हुई हैं तब आपको विश्वास की जरूरत नहीं है जब आपके बैंक अकाउंट में लाखों लाखों रुपए आ रहे हैं तब आपको विश्वास की जरूरत नहीं है जब आपका शरीर आपके कहने पर काम कर रहा है तब आपको विश्वास की जरूरत नहीं है आपको विश्वास की जरूरत तब है जब आपके सामने सूखी हड्डियां हैं हालात उल्टे हैं और परमेश्वर का आत्मा कहता है अब नबूवत कर अब नबूवत कर अब नबूवत कर अब इन हड्डियों को कहे कि जी जाओ यस् के नाम में अब उस दर्शन को कहे जो उसको देखकर तू कभी चला था कि जी जाओ यीशु मसीह के नाम में उस उस मिनिस्ट्री को देखकर कहे कि जी जाओ यीशु मसी के नाम में उस उस पैसे को देखकर कहे कि जी जाओ यीशु मसीह के नाम में उस परिवार को देखकर कहे जो टूट गया है जी जाओ यीशु मसीह के नाम में जी जाओ यीशु मसीह के नाम में जी जाओ यस्सु मसीह के नाम में जी जाओ यीशु मसीह के नाम में जी जाओ यीशु मसीह के नाम में अब जरूरत है फेथ की अब जरूरत है प्रोफेसी की अब बोलो यीशु मसीह के नाम में अप इन द नेम ऑफ जीसस जी जाओ यस्सु मसीह के नाम में उन किडनियों को कहे कि जी जाओ यीशु मसीह के नाम में हालात कुछ कहते हैं मगर डॉक्टर कुछ कहता है मगर मैं आज कहता हूं जी जाओ यस्सु मसीह के नाम में जी जाओ यस्सु मसीह के नाम में वो हड्डियां हैं दुनिया की नजर में वो हड्डियां हैं वो 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 टूटा हुआ घर है वो बिखरे हुए हालात हैं वो बिखरे हुए पैसे हैं वो कर्जे हैं वो वो बेकार सी एक करियर है मगर मैं आज उनको कहता हूं जी जाओ यस्ु मसीह के नाम में क्योंकि जिसने दर्शन दिया है वही पूरा करेगा वचन कहता है कि जमीन और आसमान बदल सकता है मगर उसके मुंह से निकला हुआ एक शब्द नहीं बदलेगा यसु मसीह के नाम में में। जी जाओ मसीह के नाम में जी जाओ आप में से आप बहुत सारे लोग आज आज तराइयों में घूम रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में घूम रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग आज 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 भटके हुए हैं और क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर तूने मुझे बुलाया था उस पर्वत के ऊपर था मगर तू मुझको इस तराई में क्यों लेकर आया है तू सबके लिए कर रहा है मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कहता है कि उठो और नबूवत करो वो जो दर्शन तेरे को देखा था वो जो दर्शन तुझे दिखाया था वो झूठ नहीं है वो झूठ नहीं है वो झूठ नहीं है वो सच है तू जिएगा और खाली जिएगा नहीं तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा भी आएगा और परमेश्वर तेरे को उस जगह पर बसाएगा जिसकी बात उसने तुझसे कही थी हाल ये ऐसे ही नहीं हुआ है ऐसे ही तुमको गड्ढों में नहीं डाला गया है ऐसे ही तुमको बेड़ियों में नहीं डाला गया है ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भाले नहीं लगे हैं क्योंकि बड़ी आशीष आ रही है अगर शैतान शैतान की एक बात सुनो वो आया है चोरी करने घात हत्या करने अगर मैं तुमसे कुछ छीनना ही चाहता हूं ना तुम्हारी नजर छीन लो अगर मैंने तुमसे तुम्हारी नजर छीन ली तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते शैतान आया है आपको बंधन में डालने मगर ईशु आया है आजाद करने तुम्हारी नजरें आज तुम्हारे वापस दी जाती हैं जहां तुम मौत देख रहे हो वहीं से जिंदगी की शुरुआत है जहां तुम एंड देख रहे हो वहीं से परमेश्वर एक नई चीजों की शुरुआत कर रहा है जहां तुम नशा देख रहे हो वहां जिंदगी उबलने वाली है जहां तुम कर्जों को देख रहे हो वहां पर आजादी आने वाली है नीचे जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं। सुनो जब सब कुछ सही चलता है आपको वचन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि विश्वास सुनना से आता है और सुनना मसीह के वचनों से मगर जब सब गड़बड़ चल रहा है लाइफ में तब एक चीज जरूर करना है इसको नहीं छोड़ना यह आपका सबसे बड़ा दोस्त है यह आपका सबसे बड़ा साथी है इसको पकड़े रखो यह आपके विश्वास को बढ़ाता रहेगा आपकी नजरें कहीं खोएंगी नहीं क्योंकि बहुत आसान है बहुत आसान है अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना है मैं इतना छोटा हूं वो मुझसे बड़ा कैसे है जब आप किसी और के साथ कंपेयर करते हो ना अपने आप को तो सबसे पहले आपके अंदर गिल्ट आता है या या जेलेसी आ जाती है जलने लगते यार उसके पास मुझसे ज्यादा है जरूर दो नंबर का है जब आप अपने से कोई नीचे बैठा है उससे अपने आप को कंपेयर करते हो ना तो घमंड आ जाता है दोनों ही गड़बड़ है दोनों ही गड़बड़ है मेरी सिचुएशन मेरी है मेरा पंगा मेरा है मेरा घर मेरा है मेरा परिवार मेरा है मेरी शादी मेरी है मेरी मिनिस्ट्री मेरी है मैं किसी और के साथ क्यों कंपेयर करूं क्यों करूं शैतान चाहता है तुम कंपेयर करो ऐसी लब बोल सकता है यशाया को तूने ईशु मसीह के लिए होने के बारे में भविष्यवाणी दी और मुझे तू सूखी हड्डियों में लेकर आया है। वट नॉन मेरे को भी यीशु मसीह को दिखाओ मैं भी यीशु मसीह के बारे में लिखना चाहता हूं प्रभु का मत मर्जी है प्रभु की मर्जी है वो एक को यीशु मसीह के बारे में दिखाता है एक को सूखी हड्डियां दिखाता है मेरी बात शायद आपकी समझ नहीं आ रही है आप चाहे किसी भी हालात से होकर गुजर रहे हैं दर्शन नहीं खोना है शैतान को यह चीज मत छीनने दो आपसे ये दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है यह आपका सबसे पर्सनल हथियार है शैतान इसको छीन नहीं सकता यस्ु मसीह के नाम में उसको ले जाने मत देना ब्लेसिंग आपकी है आशीषें आपकी हैं बस आपने थोड़ा सा फेत उठाना है थोड़ा सा फेत उठाना है और नबुवत करना है यीशु मसीह के नाम में थोड़ा सा फेत को उठाइए और नबुवत करिए यीशु मसीह के नाम में थोड़ा सा फेत को उठाइए और नबुवत करिए यीशु मसीह के नाम में आप उन उन हड्डियों को देखो और कहो कि जी जाओ यस्ु के नाम में जी जाओ यस् के नाम में जी जाओ उन उन जगहों के ऊपर जहां से जहां से आपकी शुरुआत हुई है जहां से आपकी शुरुआत हुई है वो पूरा करने जा रहा है जिस दर्शन के साथ आपने शुरू किया था वो उसको पूरा करने जा रहा है जो बरकतें उसने आपको प्रॉमिस की थी वो आपको देने जा रहा है घबराओ मत ये ये जो हड्डियां है ये ब्लेसिंग है सुनो परमेश्वर तूने तो मुझे एक महान आर्मी प्रॉमिस की थी ये तो मरी हुई हड्डियां हैं मगर मरी हुई हड्डियों में से भी महान आर्मी निकालने वाला यह जीवित है फर्क नहीं पड़ता आपके सामने क्या है फर्क कतई नहीं पड़ता आपके सामने क्या है इन हड्डियों को बोलो जी जाओ यस्व के नाम में